मैं आनंद कुमार आज आप लोग को संस्कृत पढ़ाएंगे चैप्टर 4 यानी चतुर्था पाठ हो गया। इस चैप्टर 4 पढ़ाने से पहले आप लोग को कुछ शब्दार्थ पे हम लिख देते हैं, इसको याद करना है और फेयर भी करना है। नष्ट करना का नष्ट हो गया, क्या हो जाएगा देना। अस अस का हो गया होना। वच पकाना। ग्रीट में कूदना में कूदना। अब आइए ग्रीट में कूदना नहीं हो, खेलना होगा, खेलना क्रीड मने खेलना। आइए हुआ कूदना नाचना नाचना। रीस पश्या में देखना। नम में नमस्कार करना, नमस्कार करना। वदन बोलना है बोलना। तो आपको याद कीजिएगा। अब आइए चैप्टर 4 पढ़ाते हैं। अब आइए पहले इसे हम आप लोग इसको दिख लेंगे पेयर में, ठीक है। अब इसको हम क्लीन कर दिए। चतुर्थ पाठ यानी हो गया पढ़ना क्या है धातु यानी क्रिया। धातु को ही हम लोग क्रिया करते। अब आपसे कोई पूछता है कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया आपको पता है कार्य होने या करने का बोध होता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। धातु उसी को कहते हैं। धातु हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, क्रिया हम लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, धातु संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, उसी तरह ये धातु क्रिया। कोई पूछेगा कि धातु किसे का, आप लिखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ।
जिस शब्दों द्वारा किसी कार्य की करने या होने का पता चलता है तनु धातु यानी क्रिया कहते हो गया। और ये धातु के बारे में, धातु किसे कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे धातु यदि क्रिया धातु कहते हैं। जैसे में पट धातु हुआ, पट धातु हो गया, ये पट धातु हो गया। आईसी में हम अगर ये पठ है, आईसी में ये ना पढ़ता लगा देंगे तो ये पढ़ना हो गया, यानी क्रिया बन गया। क्या हो गया? क्रिया हो गया, मतलब पठ हो गया, पठ से इसका अर्थ हुआ पढ़ना। माने खाना, क्या हो गया? हो गया। और इस धातु रूप के जो ये धातु रूप जो है पुरुष वचन ये दिया है यहाँ पे, धातु रूप पुरुष वचन ये काल के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? काल यानी समय के अनुसार। जैसे आप अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़े होंगे टेंस माने काल, तीन होते हैं प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस, तरह पढ़े होंगे। उसी तरह संस्कृत में भी काल होते हैं, संस्कृत में भी काल होते हैं, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल पढ़ रहे भी हैं तो संस्कृत में भी धातु के रूप को हम लोग लगा दें। धातु रूपों को काल को हम लोग लकार कर, लकार हम लोग पढ़े होंगे लट लकार लोट लकार लिट लकार पढ़े हैं, दिया हुआ धातु के काल को लकार कर। धातु दो प्रकार की होती है, धातु कितने प्रकार की होती है? दो, कौन कौन? परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय। अब आइए आपसे कोई पूछता है कि परिवर्तनीय धातु किसे कहते, यहाँ दिया हुआ है कि परिवर्तनीय धातु किसे कहते। तो जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है इन्हें हम परिवर्तनीय धातु कहते। जैसे भू पा गम दिया हुआ। अब परिवर्तनीय के धातु कुछ उदाहरण दिया हुआ, देखिए उदाहरण दिया हुआ है धातु पा है, इसका अर्थ हो गया पीना, इसका अर्थ हो गया पीना। अब इसका रूप कैसे चलता है? तो इस देखिए इसका मूल कैसे चलता है, पीबती पीबता पीबंत, यानी एक पीता है, दो पीते हैं, तीन पीते हैं, होगा दृश्य का देखना हो गया। और इसके बाद पश्य मैंने भी देखना होता है तो क्या हो गया पश्यति पश्यता पसंती हो जाएगा। गम मैंने जाना, इसका अर्थ हुआ जाना गम का है। गच होता है गश्ती गश्ता गच्छंती हो जाएगा। अपरिवर्तनीय धातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसे अपरिवर्तनीय के वद वद माने बोलना दिया हुआ, वर्ती वर्ता वदंती दिया हुआ, खेल का अर्थ हुआ खेलना खेलती खेलता खेलंती हो जाएगा, हंस के हंसना हसंती हंसता हंसती हो जाएगा, हो गया। आ भाई अब कहता है कि इस पाठ में लट लकार वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे, वर्तमान काल यानी जो अभी समय चल रहा है, इसके बाद वर्तमान काल में
धातु रूप बनाते समय धातु को निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। जब ये कहता है कि धातु रूप जब बनाते हैं उसमें निम्न प्रत्यय को जोड़ते हैं, निम्न प्रत्यय को जोड़ते हैं हम लोग उसमें निम्न प्रत्यय को जोड़ते हैं। आप देखिए कैसे जोड़ते, देखिए लटकार वर्तमान काल है, अब उसमें पुरुष भी बनाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी इसके अनुसार एक वचन दिया है, द्वि वचन, बहुवचन दिया है। धातु लट लकार वर्तमान काल, धातु 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 रूप बनाते समय धातु की निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं, तो यहाँ भी पढ़ा बताया जाए धातु आपको पट हो गया, अब इसमें निम्न प्रत्यय जोड़ेंगे ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, बताया है? या हस, इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो हंसना हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह लट लकार में धातु में हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, धातु दिया हुआ एक वचन द्विवचन में, तो धातु जोर अति दिया हुआ प्रत्यय जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। धातु जोर अत अति अत अंति हो जाएगा, यानी इसमें प्रत्यय जोड़ कर हम लोग वर्तमान काल लट लकार है, यानी वर्तमान काल में काल जब धातु रूप बनाते हैं तो उसमें निम्न प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। जैसे कम धातु लट लकार कर्ता के साथ प्रयोग, देखिए स तौ ते है सग, देखिए कम धातु के कर्ता के साथ, कर्ता होता है करने वाला, कर्ता कहा हुआ करने वाला, तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या दिया है, स गष्टी स तौ गष्टा ते गष्ट, वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं, हुआ? ये गम धातु का बना, ये गम धातु हो गया, गम धातु हो गया, ये कर्ता के अनुसार बनते हैं। सगस्ती वह जाता है, वह जाता है, तो देखो इसमें क्या है, गच धातु हुआ, इसमें प्रत्यय क्या लगा है, ती प्रत्यय लगा है, इसमें ती प्रत्यय हो गया। गचता गच हुआ, इसमें तो प्रत्यय लगा, इसी तरह सम में होता है गस्ती गस्ता बनाते हैं। अवयी सिद्धांत हो गया, अब आप लोग को आइए कुछ ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ दिया है। प्रथम पुरुष गस्ती गस्ता गचंती लिखिएगा, मध्यम पुरुष में गस्था गच्छा।